हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस चैनल दिनेश सर। आप लोगों की बोर्ड एग्जाम जो 12th वालों की है वो 21st ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रही है एंड 10th की जो एग्ज़ाम है वो 1st मार्च से स्टार्ट हो रही है। बहुत सी बातें मैंने बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोग को बता दी है, बहुत सी चीज़ें मैंने बताई है पेपर प्रेजेंटेशन से लेके हेल्पलाइन नंबर तक और बहुत सी चीज़ें, लेकिन कुछ बातें जो अभी तक रह गई है और जो नई नई बातें सामने आ रही है वो मुझे ऐसा लगता है आपको बताना ज़रूरी है और आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को न्यूज़ देने वाला हूँ कि महाराष्ट्र बोर्ड की जो सेक्रेटरी हैं शकुंतला काले, उन्होंने क्या अनाउंस किया है। तो बता दूं दोस्तों कि हर साल बोर्ड एग्ज़ाम के दौरान बहुत ही माल प्रैक्टिस होती है। माल प्रैक्टिस यानी चीटिंग होती है। ये चीटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो एग्ज़ाम देते हैं तो मोबाइल वगैरह यूज़ करके चीट कर सकते हैं, या बहुत से बच्चे जो है चीट लेके जाते हैं, यानी कागज़ का टुकड़ा ले जाते हैं जिस पर आंसर लिख के जाते हैं। तो बहुत से अलग अलग तरीके से बच्चे चीट करते हैं। नॉर्मली अगर कोई सुपरवाइज़र किसी भी स्टूडेंट को पकड़ता है चीटिंग करते समय, उसके पास अगर कोई सबूत मिल जाए, यानी चीट मिल जाए या मोबाइल मिल जाए या कुछ भी ऐसा मटेरियल मिल जाए जिसके जरिए वो एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहा है, तो नॉर्मली हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास ले जाया जाता था और वो लोग उसे उस एग्ज़ाम उस दिन के एग्ज़ाम से डिबार कर देते थे, लेकिन नेक्स्ट डे वो एग्ज़ाम देने वापस आ सकता था। बट इस साल से अभी जो नई न्यूज़ निकल कर आ रही है उसमें महाराष्ट्र बोर्ड की जो सेक्रेटरी है शकुंतला काले जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि माल प्रैक्टिस रोकने के लिए एक नया कदम उठाया जाएगा इस बार से। अगर कोई बच्चा जो है चीट करते हुए पकड़ा जाता है, सुपरवाइज़र उनको पकड़ते हैं, तो उन्हें अगर वो थर्ड एग्ज़ाम चालू है तो थर्ड एग्ज़ाम के बाद जितनी भी एग्ज़ाम्स होने वाली है बाकी सभी एग्ज़ाम से उसको डिबार कर दिया जाएगा। यानी कि वो स्टूडेंट फिर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता और उसे फिर अगले साल वापस अप्लाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नहीं तो हो सकता है कि आपका भी साल बर्बाद हो जाए। आपने साल भर मेहनत की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ करो और बिना चीटिंग किए खुद के पेपर पर कंसंट्रेट करो, आप बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम के सेंटर में जब आप एंट्री करोगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल टैबलेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये सब भी चीटिंग मटेरियल के दायरे में आता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ भी मटेरियल है तो आप क्लासरूम में एंटर होने के पहले अपने बैग में रख के उसे क्लासरूम के बाहर रख सकते हैं, आप उसे अपने साथ एग्ज़ाम में लेके नहीं बैठ सकते। तो इस बात का आप लोग ख्याल रखना, हो सके तो आप लोग एग्ज़ाम में जो है महंगे महंगे मोबाइल या इस तरह की चीज़ें ना लेके जाएँ। नहीं तो बहुत बार एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हम जब बैग में भी अपने मोबाइल रखते हैं तो कुछ स्टूडेंट जो है दूसरों के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चोरी भी कर लेते हैं। इसलिए आप लोग इस बात का ख्याल रखें, एग्ज़ाम सेंटर में कीमती चीज़ें ना लेके जाए, नहीं तो आपको उससे हाथ धोना पड़ सकता है। स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि 10th स्टैंडर्ड वगैरह के लिए जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो 10 मिनट पहले दे दिया जाता है, लेकिन इस साल से शकुंतला काले जी ने अनाउंस किया है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसे लगभग 15 मिनट पहले स्टूडेंट्स को दे दिया जाएगा ताकि वो रीड कर सके। बिकॉज इस साल जो है पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए लगभग 15 मिनट पहले जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि सोशल मीडिया के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण पेपर लीक होना एक आम बात हो चुकी है। पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि 10:30 के पहले ही, यानी 10:30 के पहले ही लोगों के मोबाइल पर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के जरिए सोशल मीडिया के जरिए जो पेपर आ जाता है और बहुत से बच्चों को उसका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन इससे आपको बहुत ही सावधानी रखनी है कि अगर आपके भी सोशल मीडिया पे आपके पास भी इस तरह का कोई पेपर आता है तो उसको फॉरवर्ड ना करें। आपके पास अगर कोई पेपर आ गया इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे किसी अपने फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया तो आप एक अपराधी होंगे, दोषी होंगे, जिसकी सज़ा आपको मिल सकती है। और पिछले कुछ साल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट को जब पुलिस इंक्वायरी होती है उन्हें सजा दी जाती है, उनके मोबाइल जमा कर दिए जाते हैं, बोर्ड के जरिए कोर्ट में उनका केस चल रहा है और उन्हें उनका जो रिजल्ट है होल्ड पर रख दिया जाता है और उन्हें आने वाली एग्ज़ाम से बाहर कर दिया जाता है, यानी उन्हें एग्ज़ाम देने नहीं मिलता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मेरा एक सजेशन आप लोग ज़रूर लीजिए, आपने साल भर मेहनत की है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सारी चीज़ें रिवाइज़ कीजिए, एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी से कोई इंटरेक्शन मत कीजिए, सिर्फ अपने पेपर पे फोकस कीजिए, अपना पेपर अच्छे से दीजिए और बिना चीटिंग किए किसी भी तरीके से आप ईमानदारी से काम कीजिए, आप पास हो जाएंगे। पास होना बहुत आसान है,
पास होने के बहुत सारे नियम मैंने मेरे चैनल पर बताए, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान है पास होना। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हैं, आपके प्रैक्टिकल्स में अच्छे मार्क्स आते हैं, थियरी में बहुत कम आते हैं, तो भी 35 होने पर आप पास हो सकते हैं। आप टेंथ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो लैंग्वेजेस के पासिंग स्कीम है, मैथ साइंस की पासिंग स्कीम है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सब बताई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं। तो आप डरिए मत, बिल्कुल ईमानदारी से एग्ज़ाम दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन।